हम लोग सुबह सुबह घर पहुंच गए थे और आके हम लोग थोड़ी देर रेस्ट कर लिया हम लोगों ने, और अब जो है काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए सारा सामान किस तरह से यहाँ रख दिया है पूरा एक रूम में। यहाँ पर इस तरह से पूरा सामान हम लोगों ने रख दिया है। फिर ये बर्तन वगैरह भी यहाँ रखे हुए हैं किचन के, और आके हम लोग तो आराम से सो गए थे। और अब जो है सफाई का कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा। तो मैंने अपनी झाड़ू वाड़ू निकाली है और ये देखिए मैं अब झाड़ू लगाऊंगी। तो चलिए हम करते हैं सफाई। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम किचन से, क्योंकि किचन में अब खाना भी बनाना होगा क्योंकि इनको 3 बजे से ऑफिस भी जाना है, नाइट ड्यूटी है। तो चलिए सबसे पहले हम किचन साफ़ करेंगे अच्छे से, बहुत ही गंदा हो चुका है। तो अच्छे से सब जगह से झड़ा वड़ा के डस्टिंग जैसा करने के बाद ही, और उसके बाद सब चीज़ें धोने के बाद सारे बर्तन जो बाहर रखे हैं उनको फिर से एक बार अच्छे से धो के और फिर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से जो भी स्टैंड आप देख सकते हैं, ये मतलब जो बर्तन वाला स्टैंड है वो भी खाली है क्योंकि सारे बर्तन टोकरी में रखे गए हुए थे। ये तो स्टैंड भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे क्योंकि इतने दिन से खाली पड़ा था, कुछ ना कुछ कीड़े वीड़े चलते ही रहते हैं। तो बस चलिए हम फटाफट से सफाई में जुटते हैं और आप देखिए मैं किस तरह से सबसे पहले किचन की सफाई कर रही हूँ, फिर बाकी रूम्स की करूँगी। भगवान वाले रूम में भी झाड़ू और डस्टिंग मैंने सब पहले कर ली है और फिर मैं आई हूँ किचन में। तो चलिए हम जो है सफाई के काम में जुटते। आप देख ही सकते हैं कि किचन की सफाई जो है मेरी लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं जाऊंगी और हॉल में सफाई करूंगी क्योंकि हॉल भी इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है, मतलब इतनी ज़्यादा डस्टिंग हो गई है उसमें। तो चलिए अब हम हॉल की सफाई करते हैं। तो ये देखिए हम आ चुके हैं किचन की सफाई करके हॉल की सफाई करने के लिए, और बस साथ ही साथ में ना मैं किचन में खाना भी बनाने लगी हूँ, कुकर लगा दिया है जैसे, और बस यानी साथ साथ में खाना भी बनाते ही जा रहा हूँ। किसे इनको ऑफिस भी जाना है, 3 बजे वाली ड्यूटी है। तो बस चलिए हम फटाफट से सारे काम निपटा लेते। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग नहा धो के तो फ्री हो गए हैं, ऊपर हालत वैसी ही है क्योंकि अभी भी सफाई में ही लगे हुए हैं। तो ये कुछ कपड़े सुबह ही डाल दिए थे सफ़र वाले जो थे, बदल के हम लोग आके लेट गए थे, सो गए थे, उठ के जब आपने देखा ही मैंने किस तरह से सफाई करी। फिर ये अभी और भी जो कपड़े नहाने के बाद जो हुए ये सब मैं अब डाल रही हूँ। ये देखिए सब धो रहे हैं हम लोग, धो लिए हैं मतलब मैंने, और अब इनको फैलने के लिए डाल रहे हैं। मौसम तो अच्छा नहीं है, बादल से हैं, पर हाँ पानी नहीं गिर रहा है, पर सूख जा रहे हैं कपड़े। तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है, सफ़र 2 दिन का बहुत ज़्यादा वो हो गया था, घर भी काफ़ी गंदा, मतलब ज़्यादा भी नहीं था पर हाँ गंदा तो हो ही जाता है, धूल मिट्टी का बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो और गर्मी भी बहुत है यहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो चलिए फटाफट से हम ये जितने भी और कपड़े ये सूख गए हैं सुबह वाले इस तरह से बच्चों के सफ़र के, तो वो हम धो लेते हैं, उठा लेते हैं सूखे हुए, और बाकी के जो हैं उनको फैला लेते हैं। तो ये देखिए कुछ कुछ जो सूख गए हैं ये उठा लिए हैं,
और ये बाल्टी भर के अभी कपड़े रखे हुए हैं, और ये वाले जो कुछ कुछ फैला दिए हैं यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये कुछ कुछ फैला दिए हैं अभी आके। तो चलिए हम कपड़े फैला लेते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं। ये जा चुके हैं ऑफिस, आज 3 बजे से इनका ऑफिस था। तो बस मैंने आके कुकर लगाया, दाल राइस बनाया और बस इन्होंने वही खाया, अचार था, मिठाई वगैरह रखी हुई थी, पूड़ी जो हम लाए थे उसको ही थोड़ा गर्म करके खा लिया है दाल में अच्छे से। तो इस तरह से खाना पीना ये सब हो गया। अब और भी चीज़ें जो रखना है, वैसे बॉटल वगैरह मैंने धोई सफ़र वाली अभी, फिर कपड़े। तो चलिए जो जो और हम करते जा रहे हैं वो करते हैं। अभी सूटकेस कोई नहीं फैलाए हैं, थोड़ा बहुत एक दो सूटकेस जिसमें छुटपुट सामान था वो बस हमने फैलाया, उसको जमा लिया है, जिसमें खाने पीने का सामान था या कुछ कुछ और चीज़ें थी वो। बाकी कपड़ों वाला सूटकेस अभी हमने किसी को भी नहीं खोला है फ्रेंड्स, तो वो हम बाद में करेंगे। तो बस फ्रेंड्स ये देखिए, थोड़ी देर दोपहर में रेस्ट करने के बाद अब शाम में मैंने जो है सारे कपड़े वगैरह, जो कपड़ों का सूटकेस था वो ओपन कर लिया है, खोल लिया है, उसको जमा रही हूँ। तो इस तरह से सबसे पहले मैं अपने ही कपड़े जमा ले रही हूँ, साड़ियाँ वगैरह मेरी और मम्मी जी की। तो साड़ियाँ तो हमने एक जगह एक खंड में रखी हैं, फिर सूट क्योंकि कपड़े इतने हो गए हैं, बेंगलोर गई थी मम्मी के यहाँ, वहाँ से उन्होंने दिए, फिर इधर आए तो दीदी लोगों ने भी दिलाए, फिर हम लोग भी ना अपने जो साड़ियाँ जो हैवी हैवी थी उसके कपड़े हम मतलब कहीं सूट तो लहंगा इस तरह से बनवा के लाए हैं। अवनिया के लिए शरारा वगैरह लहंगा ये सब उनके लिए भी बनवाया है, तो ये सब थोड़ा सा सेट करके अच्छे से रखना होगा। तो बस ये देखिए इसी काम में जुट गए हैं, ये भी अभी लंच में आए हुए थे, डिनर के लिए आए हुए थे मतलब चाय में, तो बस साथ में काम लगा हुआ है। अब इसी तरह से देखिए बच्चों के भी सेट कर लिए हैं, अवनिनिहा के ऊपर के शेल्फ में रखे हुए हैं, दो शेल्फ में लग रखे हुए हैं उनके कपड़े, फिर यहाँ नीचे के शेल्फ में अमन के जम गए हैं सारे नए और डेली यूज़ वाले, और नीचे जो ज्वेलरी वाला है वो अभी जमाना है तो वो बाद में जमाएंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया था कि रथ यात्रा थी जगन्नाथ जी की अभी उस दिन, जिस दिन हम लोग लौट के आ रहे थे, और बस इसी तरह से जो है हम लोगों का उस दिन तो हम नहीं आ पाए थे, अब उल्टा रथ जब चलेगा वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी जो भगवान बैठे हुए हैं यहाँ पर, किस तरह से पूजा हुई है, भीड़ है, तो ये देखो ये आप नीचे पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि यहाँ पूजा हुई है और फिर प्रसाद मिल रहा है। तो अच्छे से मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। बस जहाँ जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पर ही उधर बाजू में जो एक पुराना मंदिर बना हुआ था, अभी जगन्नाथ जी भगवान जो है वो वहाँ बिठा दिए गए हैं, जैसे कि कहा जाता है कि वो अपने मामा के यहाँ आते हैं। तो ये देखिए इस जगह पर वो बैठे हुए हैं, मंदिर ये है, और अभी जब ये उल्टा रथ चलेगा, रथ भी आप देख सकते हैं कि खड़ा हुआ है, आज आरती हुई थी, आरती तो डेली होती है सुबह शाम, तो ये प्रसाद मिला है खीर, और बस इसी तरह से हम दोनों लोग आए हुए थे दर्शन करने के लिए सब सामान वगैरह जमाने के बाद, और यहाँ पर रथ खड़ा हुआ है क्योंकि उल्टा रथ चलेगा अभी एक दिन, तो वो रथ यात्रा मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जगन्नाथ जी भगवान जो यहाँ बैठे हुए हैं वो वापस से अपने घर मंदिर में लौट जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बैलून वगैरह मिल रहे हैं, फुल्की चाट वाले खड़े हुआ है, मेला जैसा थोड़ा लगा हुआ है थोड़ा बहुत यानी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं घर और इनको होमवर्क कराएंगे अब। तो बस जो इनको हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ था इन लोगों ने अपनी अनिका ने जाने के पहले थोड़ा बहुत कर लिया था, अब लौट के आए हैं तो अब थोड़ा सा कंप्लीट करवा देते हैं। तो बस अभी बैठी हूँ इनका होमवर्क कंप्लीट करवाने के लिए, ये इनको वर्कशीट भी मिली थी, ये तो कॉपी में करने वाला तो वो कर ही रही थी, और इनको वर्कशीट भी मिली थी इस तरह से जो इन्होंने इनके जो प्रिंट आउट निकलवाने थे, तो वो प्रिंट आउट बस हम निकलवाने गए थे लेकर आए हैं, और इस तरह से दोनों ने अभी उसको कंप्लीट भी कर लिया है। तो ये सारा वर्कशीट मिली हुई थी ये सब इन्होंने कंप्लीट की है, जो स्कूल में सबमिट होंगे और फिर ओपन होगा जब स्कूल, इनका 27 से स्कूल ओपन हो रहा है और भैया जी का तो ओपन हो ही चुका है। तो बस ये देखिए इस तरह से दोनों जन बहुत अच्छे से होमवर्क कर लेती हैं, जैसा जैसा बताओ करती हैं, ऐसा नहीं है कि ना पढ़ें, पढ़ने में तो बहुत मन लगता है दोनों का।
तो बस ये देखिए सारी वर्कशीट भी इनों की कंप्लीट हो गई है, मैं अब इसी काम में लगी हुई हूँ इनको होमवर्क कंप्लीट कराने में। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर ही मैं अपना व्लॉग आज का एंड करती हूँ। अगर आपको हमारा आज का ये व्लॉग, सफाई व्लॉग और जगन्नाथ जी के मंदिर का जो व्यू दिखाया है रथ यात्रा वाला, वो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमारे चैनल ट्विन अवनिनिका को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़रूर वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिएगा अगर पसंद आते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।